संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस सत्र को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दशक का यह पहला सत्र आजादी के दीवानों के सपने पूरा करने का अवसर भी है। बजट सत्र का आगाज होने से पहले संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र को काफी महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला साबित होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने सांसदों से इस सत्र के दौरान अच्छा संवाद करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन उम्मीद जताई कि लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी सदस्य चर्चा के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति में योगदान देंगे। बजट सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में मीडिया के सामने रूबरू हुए पीएम मोदी ने कहा, ये इस दशक का पहला सत्र है और ये दशक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो इसलिए सत्र में पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हों। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। पीएम ने कहा, इस दौरान सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। पीएम ने उम्मीद जताई, जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश की जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजा है, वो इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते रहेंगे। अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पीएम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संसद सदस्य अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे। जाहिर है किसान आंदोलन के बीच हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष हमलावर है तो कई अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी तेज करने का इशारा साफ कर चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यहां पर बजट सत्र से पहले कई अहम बातें कही हैं और इसके साथ ये मैसेज दिया है कि सरकार हर मुद्दे पर विपक्ष के साथ संवाद के लिए तैयार है। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।